सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबा दीजिए बेल आइकन ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं एनके सैनी और आप देख रहे हैं हेल्प एनी टाइम। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो है ईपीएफ या ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो कि उन वर्कर्स और उन एम्प्लॉयज़ के लिए होता है जो किसी कंपनीज में जॉब करते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब को करते हैं। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि अपना पीएफ आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो पीएफ चेक करने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक ऐप बताऊँगा जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट का पीएफ जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना पीएफ आपका जुड़ चुका है। तो उस ऐप का नाम है उमंग ऐप। जी हाँ, उमंग ऐप ये गवर्नमेंट का ऐप है और किसी प्रकार का कोई इसमें रिस्क नहीं है, ये एकदम गवर्नमेंट है और लीगल है। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है उमंग ऐप। उमंग जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट में आपको इस प्रकार का दिखाई देगा उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा यहाँ पर एक ऐप दिखाई देगा। चूंकि मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल कर रखा है ताकि हमारा टाइम बच सके, तो इसे ओपन करके देखते हैं। तो ये ऐप ओपन इस प्रकार से होगा। इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको इस ऐप में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाता है हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है आपको ईपीएफओ, सेकंड आपका एचपी गैस और थर्ड आपका है बायर सेलर एम किसान। यहाँ से आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे सीबीएसई, माय पैन कार्ड और यहाँ से भारत बिल पे, इस प्रकार के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। भारत गैस जैसे भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबका अलग अलग यूज़ है। बेसिकली मैं आपको अभी ईपीएफओ के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन पर आपके सामने आएगा एम्प्लॉय सेंटर सर्विस, सेकेंड ऑप्शन है जनरल सर्विस और थर्ड ऑप्शन है एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विस, फोर्थ ऑप्शन है पेंशनर सर्विस और फिफ्थ ऑप्शन है ई केवाईसी सर्विस। तो फ्रेंड्स, जब आप एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा और यहाँ पर आपको व्यू पासबुक और ट्रैक क्लेम का ऑप्शन दिखाई देगा। तो व्यू पासबुक का जो ऑप्शन है वहाँ से आप अपना पीएफ चेक कर सकते हैं और जो ट्रैक क्लेम है वहाँ से आप अपना क्लेम चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने क्लेम किया हो अपने पीएफ को विड्रॉ करने के लिए तो वहाँ आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप पीएफ चेक कर सकते हैं। तो व्यू पासबुक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर यूएएन नंबर आपको अपने डालने हैं, तो यहाँ यूएएन नंबर में डाल देता हूँ। इसके बाद आपको गेट ओटीपी का एक ऑप्शन यहाँ पर है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी आने वाला है यहाँ पर, और जब ओटीपी आएगा तो हम इसमें डाल देंगे और यहाँ से लॉगिन कर लेंगे अकाउंट। तो यहाँ से हम लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ से हमारे सामने एक इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें हमारी जो पीएफ की सारी डिटेल यहाँ पर हमें मिल जाएगी देखने को। तो इस प्रकार से आप यहाँ से पीएफ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे ही नीचे जाने पर आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन होगा, यहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा वो पीडीएफ, कुछ इस प्रकार यहाँ पर आपके सामने वो पीडीएफ आ जाएगा और आप इस प्रकार से अपना पीएफ चेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों।
क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के लिए भी काम की साबित हो सकती है, किसी की हेल्प हो सकती है। तो बेशक आपको किसी की हेल्प करना चाहिए, तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके लिए कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आऊँगा। तो देखते रहिए हेल्प एनी टाइम। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।